वाशी और सानपड़ा में सोनखार स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल का समापन प्रतियोगिता के विजेताओं को युवा नेता निशांत भगत ने दिए आकर्षक इनाम। मुंबई के वाशी और सानपड़ा में बीजेपी नेता दशरथ भगत द्वारा आयोजित सोनखार फेस्टिवल का समापन हो गया है। इस अवसर पर सोनखार कल्चरल और स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निशांत भगत ने कहा कि हर साल हम यहां पर लोगों के मनोरंजन और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खेल और कला प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोरोना के कारण लोग घरों में डर कर बैठे थे, ऐसे में लोगों को घर से निकाल कर मैदान तक लाने के लिए हमने इन खेलों का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने मैदान में उतर कर अपना पसीना बहाया। निशांत भगत ने कहा कि इन खेलों के माध्यम से हम ऐसे खिलाड़ी तैयार करना चाहते हैं जो ओलंपिक में जाकर यहां का नाम रोशन करें। निशांत भगत ने कहा कि अगले साल हम लोगों की सलाह पर और अधिक खेलों का आयोजन करेंगे। हम लोगों ने ये ख्याल रखा है कि हर वर्ग के लोग, वो महिला हो, वो ज्येष्ठ नागरिक हो, बच्चे हो, हर कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना और उनका हेल्थ के बारे में उनको जागरूक करना, ये काम हम लोग ने ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल के माध्यम से किया है। हर ये सोसाइटी, आप सानपाड़ा एरिया का आप सोचोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, मुंबई हो या अन्य और जगह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एरिया डेवलप होते जा रहा है, साथ ही साथ उनको अपने बगल में कौन रह रहा है, सोसाइटी के अंदर कौन है, बाजू के सोसाइटी के लोग कौन है, ये अभी तक उनको मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों के एक दूसरे से पहचान नहीं है, पहचान कराने के काम, साथ ही साथ उनको एक दूसरे को मदद दिलाने का काम ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, जो गणेश उत्सव हम लोग पहले मनाते थे उसके पीछे का मकसद ये था कि सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा लाना और एक दूसरे को हेल्प करना, यही उद्देश्य हम लोग ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रखा है। इसमें प्राइज, साथ ही साथ उनको एक ट्रॉफी, इसमें हम लोग ने उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम लोग ने ये उनको प्राइज दिया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।